Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज आपके लिए लाया हूँ Epi Contoura या फिर जो बहुत commonly Streamlight के नाम से जानी जाती है उसका live surgical video. इस surgery की खासियत ये है कि जिन लोगों की पुतली की मोटाई कम होती है या कॉर्निया की थिकनेस कम होती है 450-500 के बीच में, जिन लोगों में हम लोग स्माइल, लेसिक लेजर या कंट्यूरा विजन नहीं कर सकते, आज उनके लिए भी एक एडवांस सॉल्यूशन अवेलेबल है. और ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है कि मतलब कभी कभी तो मैं खुद सोचने पड़ जाता हूँ कि मेडिकल फील्ड किस हद तक एडवांस हो गई है. इस टेक्नोलॉजी में ना कोई दर्द, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई ब्लेड, ना कोई कट, ना कोई टच, आंख को छूते तक नहीं है, ना कोई बैंडेज, ना कोई पट्टी, ना लेज़र हुआ इसका कोई आंख में निशान आता है और ना लेज़र हुआ ये कोई डिटेक्ट कर सकता है. चलते हुए आओ, एक बेड पे लेट जाओ, ऊपर लाइट चमक रही होगी, उसको 15-20 सेकंड देखो और चलते हुए वापस चले जाओ और आपका चश्मे का नंबर हट गया. तो आइए आपके लिए शुरू करता हूँ ये लाइव सर्जिकल वीडियो. इस वीडियो को देख के आप खुद अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी, ये लेज़र कराना कितना सिंपल है. तो आइए शुरू करते हैं लाइव वीडियो. तो सबसे पहले आंख को एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम आई स्पेकुलम कहते हैं वो लगा के आंख को खोला जाता है. इसका पर्पस ये होता है कि आंख लेज़र के दौरान ब्लिंक या बंद ना होए. उसके बाद आंख में कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं सुन करने के लिए. इस प्रोसीजर में किसी भी प्रकार का इंजेक्शन यूज़ नहीं होता, सिर्फ ड्रॉप्स से आंख को सुन किया जाता है. उसके बाद आंख के फॉर्नेसेस में या आंख के साइड पे जो भी पानी या दवाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं उसको साफ़ किया जाता है और थोड़ा सा फिर आंख की पुतली को भी साफ़ किया जाता है. और आंख को अच्छे से साफ़ करने के बाद हम लेज़र के लिए रेडी हो जाते हैं और लेज़र को फोकस करके आंख पे फायर किया जाता है. तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि ना कोई ब्लेड, ना कोई कट, ना कोई फ्लैप और ना कोई टच, किसी प्रकार का कोई टच भी यूज़ नहीं होता आँख में. बस ऊपर लेज़र की तरफ देखते रहो और 20 सेकंड में आपके चश्मे का नंबर हट जाता है. तो ये आप देख सकते हैं कि लेज़र आँख पे फायर किया जा रहा है. और अगर मैं आपको यही व्यू सर्जन के माइक्रोस्कोप से दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है. तो ये जो ब्लू डॉट्स आप देख रहे हैं ये लेज़र की डॉट्स हैं जो पुतली को तराश के उसका फोकस वापस पर्दे पे लाती है. फिर लेज़र करने के बाद आंख को थोड़ा सा साफ़ किया जाता है पानी से. और फिर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल के आंख में से ये इंस्ट्रूमेंट हटा दिया जाता है. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून.